बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के विप को कहा अवैध। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना का अपना चीफ विप नियुक्त किया। भारत गोगावले को शिंदे ने बनाया शिवसेना का नया चीफ विप। शिवसेना की तरफ से सुनील प्रभु ने जो विप जारी किया वो अवैध है, यह कहा शिंदे ने। शिवसेना को बैठक बुलाने का अधिकार ही नहीं है, यह भी कहा उन्होंने। सूरज ढलने में कुछ समय ही बाकी है, लेकिन हर गुजरते पल के साथ महाराष्ट्र का सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। उद्धव ठाकरे की सत्ता का सूरज डूबेगा या मराठा सियासत के क्षितिज पर फिर से ठाकरे परिवार का परचम लहराएगा, इस पर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक पैनी नजर है। सत्ता बचाने के लिए शिवसेना ने पूरा जोर लगा दिया है। शिवसेना विधायक दल की बैठक से पहले पार्टी ने विधायकों के लिए व्हिप जारी कर विधायकों को अनिवार्य रूप से मौजूद रहने का फरमान जारी किया। विधायक दल की बैठक में शामिल न होने पर विधायकों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। इस पर बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के व्हिप को अवैध करार दिया। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना का अपना चीफ व्हिप नियुक्त किया। भारत गोगावले को शिंदे ने शिवसेना का नया चीफ व्हिप बनाया। शिंदे ने यहां तक कहा कि शिवसेना को बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। इस बीच बागी विधायकों ने महाराष्ट्र के गवर्नर और डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में विधायकों ने साफ किया कि एकनाथ शिंदे ही उनके विधायक दल के नेता हैं। चिट्ठी में शिवसेना के 34 विधायकों ने हस्ताक्षर किए। उधर इस सियासी संकट के बाद बीजेपी नेताओं की बैठकों का भी सिलसिला जारी है। संजय राउत ने लगाया एकनाथ शिंदे खेमे पर गंभीर आरोप। नितिन देशमुख की हत्या की कोशिश हुई, संजय राउत ने कहा। उन्हें पीटा गया और इंजेक्शन लगाया गया, यह भी कहा संजय राउत ने। विधायकों को अगवा किया जा रहा है, संजय राउत ने यह भी कहा। ऐसी स्थिति में विधानसभा को भंग किया जा रहा है, किया जाता है, संजय राउत ने कहा। शिवसेना अपने सियासी इतिहास के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। पार्टी के अंदर दो दिनों से बड़ा घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र के सियासी रंगमंच पर शिवसेना के प्रमुख किरदारों की लगातार संवाद अदायगी से इस राजनीतिक ड्रामे में नए नए पहलू जुड़ते जा रहे हैं और ये सियासी उठापटक महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियों के लिए दिलचस्प बनता जा रहा है। राष्ट्रीय मंच पर शिवसेना के सबसे अधिक मुखर रहने वाले पार्टी प्रवक्ता और कद्दावर नेता संजय राउत ने ऐसे राजनीतिक हालात में महाराष्ट्र विधानसभा को भंग किए जाने की वकालत की। साथ ही संजय राउत ने शिवसेना के बागी विधायकों के अगुआ एकनाथ शिंदे के खेमे पर गंभीर आरोप लगाए। संजय राउत ने आरोप लगाया कि शिवसेना विधायक नितिन देशमुख की हत्या की कोशिश की गई। संजय राउत ने शिवसेना विधायकों को अगवा करने का सनसनीखेज इल्जाम लगाया है। एक विधायक नितिन देशमुख जो अकोला से नागपुर पहुंचे हैं, उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ा आपने देखा? उसने अपनी पूरी आपबीती सुनाई, कैसे उसके साथ मारपीट हुई, कैसे उसको गलत तरीके से अस्पताल में भर्ती किया, गलत तरीके से उसका ऊपर इलाज किया, गलत तरीके से उसको इंजेक्शन दिया गया। वो तो बोल रहा है कि मुझे मारने की साजिश। नागपुर पहुंचे नितिन देशमुख का सनसनीखेज बयान। मुझे सूरत में कैद करके रखा गया था, ये कहा उन्होंने। मैं हार्ट अटैक का नाटक रचकर भागा, देशमुख ने ये कहा। मेरे पीछे 100-200 पुलिस लगी हुई थी, नितिन देशमुख ने ये भी कहा। दिन का पूरा इतिहास मैंने बताया है कि रात को 3 बजे मैं होटल से 12 बजे निकला हूँ, रास्ते पे 3 बजे खड़ा था, लेकिन 100-200 पुलिस मेरे पीछे थे। मैं कोई वाहन आया तो वाहन में मैं बैठना चाहता था, लेकिन कोई वाहन में मेरे को बैठने नहीं देते थे। बाद में 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया और ऐसा संदेश है दिया। लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे यानी मेरा घात करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत हूँ, अभी भी अच्छा हूँ। मेरे को कोई प्रकार का अटैक आया नहीं, कोई प्रकार के मेरी बीपी शुद्धा बड़ी नहीं है। मुख्यमंत्री मैं उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ में हूँ, हमारे नेता जी है।